गाड़ी गई है देव को लेने एयरपोर्ट, तो गाड़ी में नहीं सीढ़ियों में बैठ के आपके सवालों का जवाब दे दूँ। पहला सवाल, हम ऑफिस की पूजा कब करें? देखिए, मैंने जब करीबन 1.5-2 महीने पहले वीडियो बनाई थी तब आपसे कहते था कि दिवाली 1 नवंबर की है। कायदे से मैं बहुत बड़ी ज्योतिष तो नहीं हूँ, पर ऐसा कहा जाता है कि जिस तिथि पर नागपंचमी होती है उसी तिथि पर दिवाली होनी चाहिए, और नागपंचमी मतलब शुक्रवार की थी जिस दिन पर होती है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, और उसी दिन जो है दिवाली होनी चाहिए। इस हिसाब से भी मैंने देखा तो 1 नवंबर की दिवाली होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर हम दिवाली 31 तारीख की बना रहे हैं तो फिर हम ऑफिस की पूजा तो कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि तिथि ही 3:30 बजे से शुरू हो रही है। अब आपके सवाल का जवाब ये है कि हम ऑफिस की पूजा कब करें, तो आप 31 तारीख को अगर दिवाली बना रहे हैं तो 31 तारीख को आप अपने घर की पूजा कीजिए, और ऑफिस, फैक्ट्री, कारखाने, इन सब की पूजा 1 नवंबर को सुबह 9-10 बजे कीजिए, ठीक है? ये आपके पहले सवाल का जवाब है। लगातार आपको मेरी वीडियोस मिलेगी जिसमें आपके बहुत सारे सवालों के जवाब हैं, वो आपको मिलने चाहिए। अमावस की रात को ही सबने कंसीडर किया और 31 तारीख की दिवाली कर दी, क्योंकि देखिए मैं इतनी बड़ी एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। जब अयोध्या में, काशी विश्वनाथ में सभी लोगों ने डिसीजन ले लिया कि 31 तारीख की दिवाली है, तो मुझे आपको 31 तारीख दिवाली के लिए बोलना पड़ा। पर कायदे से देखा जाए तो दिवाली 1 नवंबर की है, हम उदया तिथि से मानते हैं। 3:30 बजे कोई तिथि शुरू नहीं होती है। अगर हम उदया तिथि से मानते तो 5:30 बजे से लेकर हमें वृषभ लगन मिल रहा था, जिसमें हम बहुत आराम से पूजा कर सकते थे 1 नवंबर को शाम को, गृहस्थ जीवन में शाम को 6:30 बजे तक, 5 से 6:30 बजे तक के बीच में पूजा आराम से हो जाती, और अमावस की रात दिवाली के दिए भी जल जाते। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब जैसे पूरा देश मना रहा है 31 तारीख को, वैसे 31 तारीख को मनाइए, लेकिन ऑफिस की पूजा आपको 1 नवंबर को करनी है, वो 31 को कर नहीं सकते, अमावस शुरू होने से पहले थोड़ी कर लेंगे। उम्मीद है आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगले सवाल